हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग एनजे 23। तो गाइस अभी मॉर्निंग के हो रहे 6:30 और हम लोग जा रहे हैं एक राइड पे, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था। तो अभी पार्क भी हमको ज्वाइन हो रहा है, तो मैं एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेके जा रहा हूँ पार्क के बिल्डिंग के नीचे, और फिर उधर से हम लोग जाएंगे राइड पे। चल मम्मी बाय। हाँ तो मम्मी को भी बाय बोल दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क के बिल्डिंग के नीचे, और अभी टैंक भी फुल है। कल रात को मैंने टैंक फुल करके रख दिया था। बारिश भी रुक गई है, टेम्परेचर भी ड्रॉप है। अभी मतलब 26-24 रहेगा अभी टेम्परेचर। और मैंने घेर पहना है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। एक बार हम लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद तो मैंने कौन सा गेयर पहना है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क के घर के नीचे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं अभी पार्क के घर के नीचे हूँ। एक्स्ट्रा हेलमेट भी लिया है पार्क के लिए, क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट। और पार्क अभी आ रहा है तो उसका थोड़ा वेट करते और फिर मिलते थोड़ी देर बाद। कैसे उधर को पार्क कैसे ब्लॉक करते करते आ रहे हैं। तो गाइज अभी पार्क आ चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं राइड के लिए। तो पहले हम लोग लाइनिंग होने वाले वामा पैराडाइज, जो कि है खन्ना कॉलोनी में सबसे बड़ा टावर है। खन्ना कॉलोनी में नहीं, सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, उधर खाली एरिया रहता है सीकेटी कॉलेज पे। उधर तो हम लोग उधर अभी जा रहे हैं, तो मिलते हैं बाइक के ऊपर। शेड्यूल हमारा 6:00 को मीटिंग का था, अभी 6:40 हो रहा है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समझ जाओगे आप लोग कितना लेट हो गया है। बारिश भी रुक चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग कस्बे का वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मीटअप पॉइंट पे। तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ, पहले आजिंकल को मिलते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग के 7:00 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कलमोली मैकडी। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है आज, टेम्परेचर एक्चुअली ड्रॉप हुआ है। तो मिलते हैं मैकडी। अभी हम लोग हैं कलमोली, कलमोली के इधर है मैकडी के पास। तो अभी प्लान अभी हमारा कुछ ऐसा है कि हम लोग इधर से अभी जाने वाले हैं सीधा करजत रोड। तो पीछे बहुत सारे बाइक्स के नॉइज़ आ रहे हैं, क्योंकि अभी राइडिंग का क्लाइमेट है चालू। तो गाइस मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये पार्थ है मेरा कज़िन, बाद में फिर ये अभिषेक। तो मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा ट्रैफिक की वजह से। तो ये तेजस NS 200, ये अजिंक्य पल्सर 220। अजिंक्य फेस दाखो नहीं। हाँ, तो इसको पहचान लिया होगा आपने, राजमाची के राइड पे आए थे साथ में। और ये हमारे प्रज्योत एक्सपल्स 200। तो मिलते फिर अभी राइड में। मैगडी के इधर जो कि हमारे मीटिंग पॉइंट था, तो अभी हम लोग रुके सिग्नल के लिए, और राजिंग के और तेजस इधर ही रुके। तो देखते अभी कैसे चल रहे राइड। स्क्रीन के ऊपर मेरे वाइजर के ऊपर फॉग आ गया। तो गाइस ये हम लोग गोवा रोड पकड़ रहे हैं, और उधर से हम लोग जाएंगे सीधा करण गाड़े, फिर उधर से हम लोग देखेंगे क्या आगे का प्लान है। वाह क्लाइमेट देख सकते हैं आप लोग, इतना अच्छा है और क्या मस्त क्लाइमेट है एकदम। अभी सनराइज हुआ है और कैमरा चालू है क्या। हाँ तो अभी सनराइज हुआ है और एकदम नेट चालू है। ये बाइक का ब्रेकिंग बहुत अच्छा है और सामने ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाला अभी जोर से। शेडूल का है ये, शेडूल के इधर है ये टोलने का। और
ये हर एक टोलनाके में ऐसे होता ही है हम लोगों के साथ राइड पे। इगतपुरी गए थे तभी भी ऐसे ही हुआ था, हम लोग घुसने ही नहीं मिल रहा था टोलनाके। अभी हम लोग रुके हैं थोड़े देर इधर और वो लोग थोड़ा लोकेशन चेक कर रहे कि कैसे जाना है क्या करना है। तो भाई अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है चाय नाश्ते के लिए और सर हम लोग रुके इधर। तो आज बहुत ग्रुप से राइडिंग के और थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखते अभी सैनिटाइज कर लिए हाथ और अभी खा लेते हैं कुछ तो नाश्ता। तो गाइस अभी नाश्ता आ चुका है, एक ब्रेड खा रहे हम लोग, मतलब पाव खा रहे अंडे के साथ। और ऊपर से टाइमिंग अभी 8:30 हो रहा है, अभी निकलेंगे तो मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो गाइस अभी नाश्ता हो चुका और हम लोग जा रहे हैं, बाइक से उधर पार्क है। अति हाइट दिली सस्पेंशन ट्रॅव्हल कमी होतो तरी चालत। इथून पुढे कसं आहे, चांगलं आहे का रस्ता? थोडासा फिसल्यानवाला है, देखते कैसे हो रहा है सब कुछ। ओ माय गॉड, एकदम हेवी स्लश है और मैं डबल सीट में हूँ, इसके लिए पीछे का टायर इतना कोई स्पिन नहीं हो रहा, लेकिन देखते। ओ शिट, हम लोग अभी एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, वाटरफॉल एक बहुत ही अच्छा है। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा वाटरफॉल। तो गाइस अभी हम लोग इधर आए कलौटे वाटरफॉल। तो आपको वाटरफॉल दिख रहा नहीं होगा, तो थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी मेरे शूज़ हो गए थोड़े गीले, तो अभी तेजस प्लान कर रहे हैं कि बाइक थोड़ा सा पानी में डालते हैं मतलब फोटोशूट के लिए, तो देखते हैं। तो एक्सपल्स उतार रहे पहले, देखते हैं। एक नंबर तो गाइज अभी एक्सपल्स आ गई है पानी में, जिधर उसकी जगह होनी चाहिए थी रियल में। और तो गाइज आगे वाटरफॉल में बहुत क्राउड है और सैटरडे संडे तो लोग घूमने आते हैं। अभी तेजस बोल रहा है कि मैं डालता हूँ गाड़ी करके, तो देखते। तो गाइज अभी तीन बाइक आ चुके हैं पानी में और बारिश भी चालू हो चुकी है। तो ये वाटरफॉल है और ये प्रज्योत बाइक डालिए अंदर और NS भी डालिए, तो देखते हैं अभी। अजनू
अजनू सा जीने में, अजनू अजनू सा सीने में, एक जुनू एक दीवानगी हर तरफ हर तरफ, बेखुदी 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 हर तरफ हर तरफ, कहे हल्के हल्के ये रंग जलते। गाइस अभी उधर हम देख सकते हैं तेजस और ये वाटरफॉल है और हम लोग बहुत एंजॉय करे। इधर कुछ लड़के और लड़की लोग आए, बेसिकली हमको कुछ आइडिया नहीं है कौन है ये लोग, लेकिन हम लोग मजा कर रहे हैं। बस हो गया, अजिंक्य अभिषेक सब लोग है और इधर बाहुबली। तो गाइज अभी वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा और आपको मेरा आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा इतना। तो अभी पार्टी ब्लॉक कर रहे हैं, अजिंक्य एंजॉय कर रहे सब लोग। हम लोग अभी एंजॉय करेंगे थोड़ा इधर, अभी देखते हैं आगे क्या शेड्यूल है तो बताते रहूँगा मैं। तो गाइज अभी हम लोग जिस वाटरफॉल पे है, इसका नाम है कलोरते वाटरफॉल और इसका मैं लोकेशन डाल दूंगा और बहुत ही अच्छा है वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा वेयर है। तो पानी देख सकते हैं आप लोग और मैं पानी में नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है, अरे पूरा गेयर भीग जाएगा। और देखते बाल भी गीले हो चुके हैं, बारिश आया था। तो मिलते फिर और एक लोकेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो देखते कैसे प्लानिंग होता है, तो मिलते थोड़ी देर बाद। ब्लॉगर है तो नाम बताइए आपका। द मराठी ब्लॉगर। द मराठी ब्लॉगर, तो ये मराठी में ब्लॉग करते हैं और ऐसे नए नए ब्यूटीज और नेचुरल प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका, मैं इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपका इंस्टा आईडी बोलिए। मिस्टर सौरभ 7। ऐसे नए नए लोग मिल रहे हैं, ब्लॉगिंग थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी बढ़ रही है तो अच्छा लग रहा है। और महाराष्ट्र में रह के मराठी ब्लॉगिंग नहीं किया तो क्या किया, तो बिग थम्स अप टू यू, थैंक यू। जैसे बाइक्स निकल रहे पानी में से बाहर, पेरिंग थोड़ी सी ये है। तो अभी प्रभजोत निकालेगा बाइक, तो देखते कैसे निकल रहे बाइक। एक्सपल्स एकदम बेस्ट बाइक है ये सब कामों के लिए। और हाइट भी बहुत अच्छी है प्रभजोत की, इसके लिए सब मैनेज हो रहे हैं। तो निकल गए बाइक। तो गाइस अभी देखते क्या शेड्यूल है। ए आता कुठल्या जागेवर चाललो अपन, जागेचं नाव सांग फक्त। तो अभी ये भी एक सरप्राइज है, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं हमको ही नहीं मालूम, लेकिन जा रहे रास्ता मालूम है, जगह का नाम इतना नहीं मालूम, उधर जाके बता दूंगा। सस्पेंस में रहो थोड़ा, मतलब ब्लॉग से एंड तक देख लोगे और स्किप मत करो, बहुत एडवेंचर आने वाले आगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। राइट हो पाता है या नहीं, तो हमारे सब धूम वाले जा रहे हैं। हम लोगों ने बाइक्स डाल दिए पानी में और ये एक डैम है छोटा सा, तो इसके ऊपर भी जाते और देखते पीछे कैसा व्यू है, कितना सा है लेकिन फिर भी फाइट करने का उसको। तो ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको डैम कैसा है और कुछ सिनेमैटिक्स भी निकालूंगा, वो भी देख लीजिए डैम के। कस्तो मजा ले ले
गुस्सा जीने में अजनू अजनू ससीने में। उधर देख रहे हैं आप लोग, उधर डक है तो वो लोग स्विमिंग कर रहे हैं डक। और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, एकदम अच्छा क्लाइमेट है। और इधर हम लोगों ने बाइक्स रखे, वो कौन सोए वो मालूम नहीं। लेकिन गाइज अभी मैं कुछ लोग इधर से डायरेक्ट घर पे जाने वाले, तो मैं डायरेक्ट ब्लॉग एंड करने वाला हूँ सबके साथ ही। तो देख लीजिए व्यू कितना अच्छा है। और एक्चुअली ये सर का जैकेट है, तो मैं कल सर के पास गया था जैकेट लेने के लिए, क्योंकि सर ये राइड ज्वाइन नहीं करने वाले थे। तो मैं सर के पास गया तो सर ने मुझे ये जैकेट दिया, और मुझे मालूम पड़ा कि सर का बर्थडे है, तो फिर बर्थडे विश किया सर को। और एकदम मस्त है क्लाइमेट, और आज बारिश ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हम लोगों को। थोड़ा थोड़ा गिर रहा है लेकिन ज़ोर से नहीं आ रहा बारिश। और क्लाइमेट भी आप देख सकते हैं एकदम मस्त ग्रीनरी है हर एक जगह पे, तो ऐसे जगहों को गंदा मत कीजिए। और इधर इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाइन का बॉटल का ये कवर है, तो मत डालिए ऐसा, गंदा मत कीजिए। और उधर नीचे हम लोगों ने पानी में बाइक्स रखे हैं, तो फोटो शूट करेंगे और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तब तक ले भी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, और निकल चुके हैं मतलब, और हम लोग जा रहे हैं रोड के वो साइड। तो तेजस का इंतज़ार कर रहे थे, तेजस आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी हो रहे 12 बजने के लिए 15-20 मिनट है, और ये अभिषेक के बाइक का बहुत पानी आ रहा है, और मेरा चार्जिंग अभी डेड होने वाला है। लेकिन कोई नहीं, अपने पास अभी एक्स्ट्रा बैटरीज भी है, तो मैं वीडियो सबके साथ एंड करूँगा, आप लोग देख लीजिए। तो गाइस नाउ आई एम राइडिंग एक्सपल्स, तो स्टैंड निकालते हैं इसका और चालू करते हैं राइड। तो एक्सपल्स को मैंने पहली बार 100 का खींचा, और लिटरली माइंड ब्लोइंग मशीन है एक्सपल्स। अगर आपके हिमालयन का बजट नहीं है तो एक्सपल्स एकदम बेस्ट ऑप्शन। गाइस पहली बार मैं इतनी एक्सपल्स चला रहा हूँ। तो गाइज अभी अलविदा करने का टाइम आ चुका है, और मैंने ब्लॉग सबके साथ एंड किया, तो वो भी वो देख लीजिए। तो गाइज अभी राइड एंड करने का टाइम आ चुका है, और अभी हम लोग JMPT ब्रिज के नीचे, और बैकग्राउंड में आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, ट्रक जा रहा है। फिर सब लोग उधर क्यों देख रहे हैं, इधर देखो। तो ब्लॉग अभी मैं एंड कर रहा हूँ, तो इधर तक देख लिया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे नए नए राइड्स आते रहेंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि एडिटिंग करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो दो स्पॉट्स पे गए, एक तो है वाटरफॉल और दूसरा एक डैम। तो आपको अगर विजिट करना होगा तो मैं जितना हो सकता है उतना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कैसे जाना है करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून एंड साइनिंग आउट NJ23। और गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय। जुनू ससीने में एक जुनून एक दीवाना।